नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चुंदेल। दिल्ली के गाजीपुर फूड मार्केट में लावारिस बैग मिलने से आज अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली पुलिस का बम डिफ्यूजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। इस लावारिस बैग में बम मिला, इसे कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके निष्क्रिय किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बैग के अंदर विस्फोटक और IED लगाया गया था, जिसको गाजीपुर सब्जी मंडी के पास ही एक खाली मैदान में गड्ढा खोदकर कंट्रोल ब्लास्ट करके द्वारा डिफ्यूज किया गया। NSG की टीम ने जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया तो उस जगह को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ किया गया था। बैग से जो संदिग्ध चीज़ बरामद हुई उसे सब्जी मंडी के अंदर एक खुले मैदान में 8 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दफनाया गया। NSG की टीम के साथ ही बम स्क्वाड और दमकल की गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँच गईं। बैग को खुलने पर अंदर से बम मिला। इससे पहले बम निरोधक दस्ते ने बाहर की डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे एक गड्ढे में डालकर डिफ्यूज़ किया गया। गड्ढे में बम धमाके के साथ डिफ्यूज़ हुआ। दिल्ली पुलिस के एडिशनल DCP विनीत कुमार ने बताया कि लावारिस बैग में बम की सूचना पर पुलिस और NSG की टीम तत्काल मौके पर पहुँच गई और इलाके को सील कर दिया। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फूल मंडी को भी खाली करवा दिया गया है। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है और किसी को भी घेरे के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। वहीं पंजाब में फिर एक बार आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राज्य के अमृतसर में 4 से 5 किलो RDX मिला है। खबर है कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी धनोया कला में हुई है। फिलहाल स्पेशल टास्क फोर्स ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आज ही सुबह बरामद हुआ ये विस्फोटक पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पंजाब को ढलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ये RDX गांव की मुख्य सड़क के पास ही खेत में छुपा रखा गया था। विस्फोटक की बरामदगी के बाद स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने पूरे गांव में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही SSP राकेश कौशल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए और भारत पाक सीमा से कुछ ही दूर पर यह गाँव और आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। RDX मिलने के बाद मौके पर एंटी बम स्क्वाड को बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।